हरियाणा भर के गवर्नमेंट डॉक्टर आज हड़ताल पर है। उन्होंने ऐलान किया था कि इमरजेंसी सेवाएं भी पूरी तरह से ठप कर देंगे, लेकिन हमारे साथ जो इस वक्त लोग मौजूद है, इनको इतनी बड़ी इमरजेंसी है कि इनके परिवार के एक बच्चे का कल एक्सीडेंट हुआ था रेलवे, लेकिन आज पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिसकी वजह से परेशान हैं। शव ले जाना चाहते हैं घर पर, लेकिन डॉक्टर अपनी हड़ताल पर है, अपनी हट धर्मिता पर है। पिछले कई घंटे से परिवार के सदस्य और रेलवे पुलिस डॉक्टरों की गुजारिश कर रही है, उनकी मिन्नतें कर रही है, पोस्टमार्टम कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर अपनी हड़ताल पर हैं। कैसे हुआ था जी आपके बच्चे का एक्सीडेंट? ओ जी, ऐसे चले गया था घूमने के लिए और सुनता बोलता नहीं था जिसको, और एक डब्बा आया रेल का, उससे एक्सीडेंट हो गया जी। तो कल से डेड बॉडी रखी है यहाँ? कल से रखी है जी। कल तो कल क्यों नहीं मिल रही आप? अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर पा रहे? अभी कह रहे डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मिल रही बॉडी। तो कब से आप लोग कितने चक्कर काट जी? हम 8 बजे सुबह आए हैं, कल डेड बॉडी 7 बजे आ गई थी यहाँ, और अभी डॉक्टर सेबो के पास गए। सेबो बोलते हैं मेरे फोन कर दिया, वहाँ पे जाओ। वहाँ से वहाँ बोलते हैं मैं करूँगा नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है। फिर वापस आए सेबो के पास, अभी बात करने के लिए रेडी नहीं है। रिक्वेस्ट की उनके, रिक्वेस्ट की थी जी। क्या बोला था? बोला था जी छोटा सब मेहमान घर पे हैं, डेड बॉडी दे दो, पोस्टमार्टम कर दो। बोले पोस्टमार्टम के बिना डेड बॉडी नहीं जाएगी। मतलब कर दो, फिर कितना टाइम लगेगा? कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने, कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे में तो परेशानी तो होगी। परेशानी है जी, घर पे सब मेहमान बैठे हैं, सब अंतिम संस्कार करना है जी, तो ये परेशानी है जी। परेशानी तो होगी बहुत ज़्यादा। हाँ जी सर, घर में सब परिवार रोने लग रहा है, मान लो बहुत परेशानी में। 8 बजे ये चक्कर काट रहे हैं जी, पूरी रात से ही परेशान जी। उनके मम्मी जी का पूरा रो रो के बुरा हाल है, 2 बार बेहोश हो चुके हैं। वो बोलते मेरे बच्चे को ले आओ, मेरे बच्चे को ले आओ, आखिरी बार चेहरा देख लूँगी, मेरे बच्चे को ले आओ, रो रो के उसका बुरा हाल है। तो ये डॉक्टर अपनी हड़ताल पर, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों को इन लोगों का दर्द नहीं दिख रहा। पिछले कई घंटे से हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुके हैं, सीएमओ के पास ये जा चुके हैं, रेलवे पुलिस के जो जांच अधिकारी है वो भी डॉक्टरों की विनती कर चुके हैं, इनका पोस्टमार्टम कर दीजिए, घर जाना है। ये पिता है उस बच्चे का, तो आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा डॉक्टरों से कि इसके बच्चे का पोस्टमार्टम कर दीजिए। आँखें नम है, लेकिन जो डॉक्टर है वो अपनी हट पर अड़े हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उनको एक असहाय असहाय पिता के आंसू नहीं दिख रहे हैं, जो पिछले कई घंटे से अपने बच्चे के शव को मांग रहा है, जो पोस्टमार्टम के लिए यहां पर कभी सीएमओ के पास गया, कभी डॉक्टरों के पास विनती करके आया। ये परिवार के भाई भी, आप क्या कहना चाहोगे जी? क्या डॉक्टर की हड़ताल जायज है ये, क्योंकि पोस्टमार्टम भी नहीं कर रहे? एक बात बताओ सर मेरे को, चल ठीक है हड़ताल जायज मान लो फिर, लेकिन यहाँ पे इतने सारे अधिकारी खड़े हैं, इनका क्या होगा? पब्लिक तो पागल है फिर, इनको तो अपनी हड़ताल चाहिए, पैसे चाहिए, बोनस चाहिए, यहाँ पब्लिक का क्या होएगा? पब्लिक ऐसे परेशान हो रही है घर पे, सब परिवार सब लोग जितने भी आए हुए हैं यहाँ पे सब परेशान बैठे हैं, इनका भी तो कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। किसके पास गए सुबह से आप लोग? यह सीएमओ के पास गए, और ये सब जितने भी हैं यहाँ पे कार्रवाई करने वाले जो भी बड़े बड़े हैं यहाँ पे अफसर, उनके पास गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, क्या करें फिर हम? तो ये कोई रास्ता भी नहीं दे रहा। ये पिता के आप आंसू देख सकते हैं, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे बच्चे के लिए अपने? सर मेरे घर में बच्चे परेशान है, मेरे घर वाले दर्द उठ चुका 2-3 बारी, उसकी भी दिक्कत में है, हार्ट पेशेंट है। अरे मैं तो बहुत मदद मांगू सरकार से, बाबूजी मेरी सरकार मेरी विनती सुने सर, मैं बहुत परेशान हूँ। गुंगा बहरा लड़का था मेरा, सुनता बोलता नहीं था वो। तो भाई क्या स्वास्थ्य अधिकारियों को एक पिता के आंसू नहीं दिखाई दे रहे? पिछले कई घंटे से ये रो रहे हैं, सीएमओ के पास भी गए, डॉक्टरों के पास भी गए। अभी कुछ जो हड़ताल के डॉक्टर, हड़ताली डॉक्टर, वो कैंटीन में बैठे थे, उन लोगों से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की और जांच अधिकारी ने भी रिक्वेस्ट की पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन वो अपनी हड़ताल पर हैं, उनको इस परिवार का दर्द दिखाई नहीं देता। उस बच्चे की माँ इंतजार में है, और परिवार के तमाम सदस्य देख सकते हैं, हर किसी के चेहरे पर मायूसी है। सिर्फ ये लोग अपने बच्चे का शव ले जाना चाहते हैं, और पिछले कई घंटे से डॉक्टर इनको नहीं मिल रहे। सीएमओ ने भी आश्वासन दिया, और डॉक्टर अपनी हट पर है, अपनी हड़ताल पर है, वो नहीं मानेंगे। और परिवार के सदस्य है जी, परिवार में हालात कैसे है घर पर? बहुत ज़्यादा ख़राब है जी, बहुत ही ज़्यादा है, और भी अच्छा हो सकता है। माँ बहने बेहोश पड़े हैं, उनको भी हमने यही दिला रखा, मगर अभी आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं, लेकिन हम सिविल अस्पताल में आए हैं, हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। क्या कहना चाहोगे जो हड़ताल करते हैं लोग? हड़ताल हम तो बस अपनी दर्द के मारे यही कहते हैं, ऐसे ऐसे तो बस रहने दो,
क्या डॉक्टर, क्या सिविल अस्पताल का क्या, हम डॉक्टर की क्या करेंगे जब हमारा ये तो हादसा होगा और भी पीछा हादसा हो सकता है। सब बेहोश पड़े हैं, माँ बेहोश पड़ी है, बहनें वो टक्कर मार मार के मरने लग रही हैं, फिर हम इसके बोनस हो गए डॉक्टर को क्या, हम नचूंगने गए। ये दर्द है, अच्छा ये दर्द है परिवार का, आप देख सकते हैं अपने बच्चे के लिए। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है? डॉक्टर तो भगवान कहा जाता है, भगवान मानना तो नहीं जाता है, भी बताओ ना। जब हम सवेरे के 8 बजे कोई टूंडा है, कोई कुछ है, कोई अपने वार है, सवेरे के रोटी ना पानी ना लेना देना ना, छोटे छोटे हमारे बच्चे कैसे भी लग रहे हैं घर पे, सब अपनी छाती पे आदर कर रखो, देखो क्या जिसके घर में मृत्यु हो जाती है वहाँ क्या होता है, बताओ क्या होता है वहाँ पे। तो डॉक्टर यहाँ अपनी उसमें मनमानी कर रहे हैं भाई, हमारी तनख्वाह रहे, तनख्वाह भी बढ़वा लिया, कोई बात नहीं, ये तो अगले के बच्चे को तो दो। बिल्कुल ये परेशानी है, और जांच अधिकारी भी है सर, पोस्टमार्टम होगा या क्या क्या प्रक्रिया आएगी? अभी देखो वेट कर रहे हैं, खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, सीएमओ साहब भी काफ़ी कोशिश, हाँ मिले थे सीएमओ साहब से, सीएमओ साहब ने डॉक्टर कालाडा की ड्यूटी लगाई थी जो ESI से, उन्होंने मना कर दिया, भाई मेरी तो आईडी नहीं है यहाँ पे, मैं पोस्टमार्टम कर नहीं सकता, ऑथराइज नहीं हूँ। अगर आज नहीं होगा तो फिर कल ही होगा? नहीं नहीं, कोशिश करेंगे आज ही करवाने की कोशिश करेंगे जी। तो जी जांच अधिकारी ये भी कोशिश करे, सुबह से सीएमओ के पास भी गए, डॉक्टरों से भी इन्होंने विनती की, लेकिन डॉक्टर अपनी हट पर है, अपनी हड़ताल पर है, और डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से एक परिवार का बच्चा जो चला गया एक्सीडेंट में, वो परिवार की वो बच्चे की डेड बॉडी भी नहीं ले पा रहे हैं। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए, हड़ताल कोई भी हो, खमियाजा आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।